गाइस हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे हेयर के रूटीन में मैं जिस हेयर मास्क को इस्तेमाल करती हूँ हेयर्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए। और मैं इसे डेली बेसिस पर इस्तेमाल नहीं करती, मैं वीकली इस्तेमाल करती हूँ या फिर 15 डेज में एक बार इस्तेमाल करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हेयर मास्क मैं इस्तेमाल करती हूँ उसमें अनियन है, सो वो एक अनियन रेंज का हेयर मास्क है। ये है सिक्योरटीन रेड अनियन हेयर मास्क और इस ब्रांड को मैंने सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल था। सो आई थॉट लेट्स ट्राई, अगर ये अफोर्डेबल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है देन इट विल बी परफेक्ट फॉर टीनेजर्स या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो कि हाई एंड ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या अफोर्ड करना चाहते भी नहीं। अगर आपको वही सेम रिजल्ट अफोर्डेबल साइड में मिल जाता है देन व्हाई विल यू गो फॉर सम हाई एंड ब्रांड्स। तो ये है सिक्योरटीन रेड अनियन हेयर मास्क और इसमें आंवला है, विटामिन ई है, ये हेल्दी स्कैल्प के लिए और हेयर फॉल कंट्रोल के लिए अच्छा है। इसको मैंने अमेजन से परचेज किया था एंड आप इसे अमेजन से परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो जो भी लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो ये जो रेड अनियन हेयर मास्क है ना, इट इज वेरी गुड क्योंकि मैं जब कोई भी हेयर मास्क पहले इस्तेमाल करती थी उससे हेयर फॉल होता था, बट ये एक ऐसा हेयर मास्क है जिसको इस्तेमाल करने के बाद ना हेयर फॉल मुझे नहीं फेस करना पड़ा। सो आई रियली लव्ड दिस हेयर मास्क और इसका जो फॉर्म्यूला है ना वो काफी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है इसका टेक्सचर और बहुत अच्छे से हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जस्ट हेयर लेंथ पर मैं इसे अप्लाई करती हूँ, स्पेशली मैं कंसेंट्रेट करती हूँ अपने एंड्स पर और उसके बाद मैं इसे 30 मिनट्स तक रख देती हूँ एंड उसके बाद जस्ट मैं नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। सो उससे ही ना हेयर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत बाउंसी फील होता है मुझे। इस हेयर मास्क में कोई पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन या कलर नहीं है और इसके अंदर अगर हम इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखें तो इसमें है आंवला, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट है विच इज़ रियली गुड फॉर आवर हेयर क्योंकि अनियन में सल्फर होने की वजह से वो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हेयर स्ट्रैंड्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रैंड ब्रेकेज को भी कंट्रोल करता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी है और वैसा ही ये हेयर को काफ़ी ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल भी बनाता है। अगर आपको हेयर मास्क अप्लाई करना नहीं भी आता तो इस कंटेनर में ही काफ़ी सारे डायरेक्शंस दिए गए हैं, सो इसको पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना है एंड यू कैन सी मेरे हेयर कितना ज़्यादा बाउंसी, सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो गए हैं आफ्टर यूजिंग दिस। और हाँ, ये काफी बड़ा टब है तो आपको ये काफी अफोर्डेबल रेट में इतना बड़ा टब मिल रहा है, सो दैट्स रियली गुड। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।